आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को घर बैठे बैठे हम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। और पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट करके 1,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की लिमिट हम कैसे पा सकते हैं, और पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट कितनी तरीके की होती है और पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट पर कितना चार्ज लगता है, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा, और यहाँ पर नीचे की साइड रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड, रेंट वाया क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम आप सभी लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर चेक करा देते हैं। तो इस ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा क्रेडिट स्कोर शो हो रहा है, जो कि 755 है, 755 ये हमारा क्रेडिट स्कोर है, जो कि गाइस बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, बढ़िया है। तो गाइस देखिए, जितना ज्यादा अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी लिमिट हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मिलेगी, और 700 से ऊपर अगर हमारा क्रेडिट स्कोर होगा तो वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, हमें अच्छी लिमिट पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मिल सकती है। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपेड लिमिट up to 60,000। तो हम यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट एक्टिवेट करके 60,000 रुपए तक की हम यहाँ पर लिमिट पा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन हमें यहाँ पर इस साइड भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सिंपल से पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ योर KYC डिटेल कुड नॉट बी फेच। तो यहाँ पर पेटीएम ऐप ने हमारी KYC की जो डिटेल्स हैं वो फेच नहीं करी हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। हम आधार कार्ड के थ्रू KYC को कम्प्लीट कर सकते हैं और पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर हमें अलाउ कर देना है, और नीचे की साइड लिखा हुआ यूज आधार टू कम्प्लीट योर KYC, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। आधार कार्ड के थ्रू हमारी पेटीएम की KYC हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर, तो हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को इस जगह पर एंटर कर देना है, और साथ ही साथ ये कैप्चा कोड हमें फिल कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने आधार कार्ड के नंबर को और सिक्योरिटी कोड मतलब कैप्चा को फिल कर दिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1-time password आएगा, तो OTP को हम फिल कर देंगे। OTP को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब ये कह रहा है एंटर शेयर कोड, तो हमें यहाँ पर एक शेयर कोड क्रिएट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम 1234 एंटर कर देते हैं, 4 डिजिट का ये हमें एंटर करना होता है। उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप हमारी डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है KYC सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। तो हमारे पेटीएम की जो KYC है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है, जो कि हमने घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड से ही कर ली है। और ये हमारी लिमिट डिसाइड कर रहा है कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कितनी लिमिट मिलनी चाहिए। अभी गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ऑफर इज रेडी। तो यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें जितनी लिमिट मिल रही है वो यहाँ पर हमारी लिमिट शो हो रही है। तो ये 60,000 रुपए तक की हमें लिमिट मिलनी होती है, तो 1,000 रुपए की हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लिमिट मिली है। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड होल्डर का नाम भी शो हो रहा है। और यहाँ पर ऊपर की साइड आप ध्यान देंगे लिखा हुआ है 3% कन्वीनियंस फीस। तो अपनी पेटीएम पोस्टपेड की इस लिमिट को हम किसी भी जगह पर अगर यूज करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे यूज किए हुए अमाउंट पर 3% की ये कन्वीनियंस फीस लग जाएगी। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अगर हम शुरू शुरू में न्यू एक्टिवेट करते हैं तो इसकी तरफ से हमें थोड़ी कम लिमिट मिलती है, लेकिन अगर इसको रेगुलर अगर हम यूज करते रहेंगे तो इसकी लिमिट हमारी इंक्रीज कर दी जाती है। पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर ऊपर की साइड हम स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट शो रहा है, जो भी बैंक अकाउंट UPI से हमारा सेटअप होगा हमारे पेटीएम ऐप में, हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई बैंक अकाउंट टू एक्टिवेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे बैंक अकाउंट को एक बार वेरीफाई कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमारी 1,000 रुपीज की लिमिट भी शो हो रही है, और ये पेटीएम की तरफ से हमें लाइट लिमिट मिली है। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा पेटीएम का दूसरा अकाउंट है और इसमें मुझे 60,000 रुपए की टोटल लिमिट मिली हुई है, और ये 60,000 रुपए का टोटल बैलेंस मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें 3 तरीके की लिमिट
लिमिट्स मिलती हैं, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी और पेटीएम पोस्टपेड डी लाइट। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की लाइट और मिनी जो लिमिट्स होती हैं, इस लिमिट पर 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है, लेकिन जो डी लाइट लिमिट होती है उस पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं लोन अकाउंट डिटेल पर इस तरीके से क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद लाइट में आप देख सकते हो 3% की कन्वीनियंस फीस ये शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डी लाइट लिमिट जो मुझे मिली हुई है 60,000 रुपए की, यहाँ पर कन्वीनियंस फी में 0% शो कर रहा है। इसका मतलब इस लिमिट को मैं जितना मर्जी यूज करूं मुझ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगने वाला। तो गाइस देखिए अभी जो हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 1,000 रुपए की लिमिट मिली है, इस लिमिट के बैलेंस को हम आपको क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। इस क्यूआर कोड से मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, तो इस बैलेंस को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमें इस तरीके से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एंड पे का, यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर देना है और ये जो पेटीएम का क्यूआर कोड है इसको हमें स्कैन कर लेना है। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेटीएम पोस्टपेड का जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम के ही क्यूआर कोड पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल लिमिट यहाँ पर 1,000 रुपए शो हो रही है जिसको हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं इस क्यूआर कोड पर सेंड करके। तो 1,000 रुपए का हम अमाउंट एंटर कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड पर हमने क्लिक कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पे सिक्योरली ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 1,000 रुपए का जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट का बैलेंस है वो सक्सेसफुली इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है और ये बैंक अकाउंट में हमारा चला गया है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो अब यहाँ पर बिल्कुल 0 रुपीज हो चुकी है, क्योंकि 1,000 रुपए हमने क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर लिए हैं और यहाँ पर 0 शो हो रहा है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट में 1,000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो कन्वीनियंस फीस है ये 3% की लग रही है, तो अगले महीने जब हमारी पहली तारीख को इसका बिल जनरेट होगा तो हमारे किए हुए अमाउंट पर कन्वीनियंस फीस 3% की लग जाएगी। इसका मतलब 1,000 रुपए पर 30 रुपए लग जाएंगे। तो गाइस देखिए जब हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस पे करेंगे तो हमें टोटल 1,030 रुपए पे करने होंगे, 1,000 रुपए पोस्टपेड के और 3% के हिसाब से 30 रुपए की कन्वीनियंस फीस। तो गाइस देखिए अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को अपने पेटीएम के क्यूआर कोड पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के रिसीव करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में पेटीएम पोस्टपेड का पैसा आप रिसीव कर सकते हैं अपने क्यूआर कोड पर। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी केवाईसी भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।